नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के आजमगढ़ से है, जहां सिधारी थाना क्षेत्र के जिलाधिकारी आवास के पास तमसा नदी में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने बताया कि मुबारकपुर थाना क्षेत्र के सागर निवासी भोलू नगर क्षेत्र में बालू मिट्टी की दुकान में रहता था भोलू। वह ट्रैक्टर लेकर जा रहा था, वह किसी वाहन से हल्का धक्का लग गया, जिससे वाहन सवार 5-6 लोगों ने मारना पीटना शुरू कर दिया। बचने के लिए भागा और तमसा नदी में छलांग लगा दिया। नदी में पानी ज्यादा होने के चलते डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक नगर ने बताया कि कल गुमशुदगी की सूचना मिली थी, आज उसका शव मिला है। पहचान के रूप में भोलू, जो कल आरटीओ ऑफिस के पास ट्रैक्टर से किसी का एक्सीडेंट हो गया, तेजी से भागने लगा। इस दौरान कुछ लोगों ने उसे दौड़ाकर पीटा, ट्रैक्टर छोड़कर पैदल भागा और नदी में छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। आप देख रहे हैं आजमगढ़ से राकेश वर्मा की रिपोर्ट। बताओ क्या नाम है आपका? तुमसे छोट भाई है, लगी बालू ले दुकानी पे बालू लेके ना पहुँचल है। जब से 3:30 फोन कर, जब बचा खोज तक पता, आज लाश मिला ले। क्या नाम था? बोनू नाम। क्या आप किसी झगड़ा था क्या? कुछ ना मालूम भाई आपके। कहाँ के रहने वाले हैं? सागर। आपको कब पता चला? 3:00 के लगभग, जो 3:30 अच्छा, ये अकेले कह थे कि कोई साथ में? अकेले आया था, जो वो वहीं काम करता है गुप्ता कोई है यहाँ, जो क्या मालूम क्या नाम है, उनके यहाँ काम कर रहा था, उन्हीं के यहाँ से बालू लेने आया था। किसी पे शक जा रहा है? किसी को पर शक है? नहीं, शक तो नहीं है, मगर देखने वाले बोल रहे हैं कि 5-6 लड़के लोग जो उसको बाइक से थे, जो है चढ़ के उसको पत्थर से, ईटा से और सलिया वो बामू से मारे हैं उसको। यहाँ तक आया था ट्रैक्टर लेकर के, यहाँ ट्रैक्टर खड़ी की है, उसके बाद अंदर गया, कूदी मार दी। क्या भैया, आज डेड बॉडी मिली है, क्या क्या मामला था, कैसे पता चला? अब देखिए, अब यहाँ आने पर पता चला कि कहीं ज़रा सा हल्का सा धक्का लगा था, चोट लगी थी, और उसमें कुछ लोगों ने उसे मारने के लिए दौड़ाया, वो अपनी जान बचाने के लिए भागा, शायद पहले मारा भी, जान बचाने के लिए भागा, लोग दौड़ाते रहे, वो नदी में कूद गया, सोचा कि इसी में से निकल करके उस पार चले जाएं, लेकिन उसी में वो डूब गया पानी ज़्यादा होने की वजह से, और उसकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम के लिए लाश जा रही है, और शायद मेरी समझ से अब तक जो स्थिति है, पता भी लोगों का चल गया है, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। कहीं ना कहीं पुरानी रंजिश थी कोई है? अब जो भी हो, पुलिस का वो तो काम, पुलिस का पता लगाना है, ये तो पुलिस पता लगाएगी। देखिए, ये नाजिम और भोलू नाम का व्यक्ति है, शाहगढ़ के रहने वाले हैं, इनका कल मरने की सूचना मिली थी, पुलिस द्वारा इनको आज सुबह तलाश कराया गया, नदी से इनकी डेड बॉडी रिकवर हो गई, बाकी जो अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। सर, घर वालों का कहना है कि कुछ बदमाशों ने इनको दौड़ा दिया था, दौड़ते समय ये नदी में कूद गए थे। पुलिस की जाँच से ये बात आई है, ये ट्रैक्टर चला के आ रहे थे, इनके द्वारा एक छोटा सा एक्सीडेंट आरटीओ ऑफिस के पास हुआ है, जिससे घबरा के ये ट्रैक्टर तेजी चलाते हुए ट्रैक्टर किनारे पर खड़के वहाँ से पैदल निकलना चाह रहे थे, उसी में नदी में स्लिप होने की संभावना। संवारे अपना भविष्य इंदु प्रकाश फार्मेसी के साथ, डी फार्मा और बी फार्मा करके। इंदु प्रकाश फार्मेसी एट हल्दरपुर मऊ और साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी से एलोपैथिक में डी फार्मा करें। विजिट साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिकटिया, रोज गार्डन के सामने मऊ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।